आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के पास श्री शैल पर्वत पर विराजमान हैं भगवान श्री मल्लिकार्जुन। दक्षिण भारत में कैलाश के नाम से मशहूर ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती, वहीं अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से सभी सात्विक मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये देश का एकमात्र मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, लेकिन कोविड के चलते देश भर में पूजा पाठ का तरीका बदल गया है। ऐसे में श्री मल्लिकार्जुन मंदिर में पूजा का स्वरूप कैसा हो गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। श्री शैलम पूरी तरह से ग्रीन जोन में है। यहाँ अभी तक कोविड का एक भी केस नहीं आया है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। अब मंदिर परिसर में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें नहीं लगती हैं। प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी थर्मल मशीन से भक्तों की स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश मिलता है। यहाँ अब वीआईपी और लोकल दोनों लाइनों में कोई फर्क नहीं रह गया। पहले घंटों में होने वाले दर्शन अब मात्र 10 मिनट में हो रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सभा मंडप में एक विशाल नंदी के सामने भगवान मल्लिकार्जुन की प्रतिमा के सामने, जहां आम दिनों में एक सेकंड भी रुकना मुश्किल होता था, वहां अब भक्त बड़े आराम से प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। कोरोना के चलते अब दर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मुंह पर मास्क होना जरूरी है। भगवान मल्लिकार्जुन के मंदिर के पास ही शक्तिपीठ ब्रह्मराम्बिका देवी का मंदिर है। ये मां पार्वती का रूप है। श्री शैलम देवस्थानम के कॉल सेंटर के एच मल्लिकार्जुन ने बताया कि मंदिर में अभी 100 से ज्यादा पुजारी और 2000 से ज्यादा स्टाफ है, लेकिन अभी यहाँ चढ़ावा नहीं आ रहा है। कोविड से पहले हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपए चढ़ावा आता था। श्री शैलम मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केसी रामाराव बताते हैं कि मंदिर में अभी केवल भगवान के दर्शन करवा रहे हैं। कोविड के चलते मंदिर में पहली बार ऑनलाइन परोक्षा सेवा पूजा की शुरुआत की है। इसमें 8 से 10 तरह की पूजा और हवन किए जाते हैं। भक्तों को मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करानी होती है। उसके बाद मंदिर के पुजारी मंदिर में या पूजा करके उस भक्त को यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे लाइव दिखा रहे हैं। 14 अप्रैल से शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत अभी तक 8000 से ज्यादा भक्त पूजा करवा चुके हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।